तो अभी ऐसे धीरे धीरे समझने लगा है, आई थिंक शायद 8 या 9 महीने का हो गया है। हेलो हाय, हाउ आर यू, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। लगभग 2 दिन हो गए, मम्मी पापा गांव में गए हैं और ये अकेला पड़ गया है। अभी ऐसी एक्टिंग करता है। सुबह में जब हम सब काम पे चले जाते हैं ना, तो तभी थोड़ा बहुत खेलता है, उसके बाद पूरा दिन शायद खेलता नहीं है। भाभी से पूछेंगे अभी थोड़ी देर में ये क्या करता है पूरे दिन, क्योंकि भैया जब ये बीच में बैल बजा देते हैं, पूरे दिन किसी के साथ खेलता नहीं है। भाभी बोलते हैं पूरा दिन चुपचाप रहता है, जब हम सब आ जाते हैं ना तो ऐसे मूड में आ जाते हैं। इसके पापा आ गए है ना, अभी जब मैं आया तभी भाभी उसको सुला ही रहे थे, तभी शायद सोने ही वाला था, पर उसने सुसु कर ली थी इसलिए जाग गया वो, तो अभी सोने ही वाला है। इसको गोद में लेकर घूमना पड़ता है या नीचे ऐसे चलाना पड़ता है, तब तक ये शांत रहता है, वरना ऐसे एक जगह बिठा देंगे तो शांत नहीं रहेगा। खेलना उसको कंटिन्यूस ही रहता है, तो खेलते नहीं है तो नहीं मज़ा आता इसको। ऐसे उछालेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, तो ऐसे डरता है, काफ़ी डरता है। ऐसे हम उछालेंगे तो पूरा मुंह खोल देगा और ऐसे थोड़ा बहुत डर जाएगा, पर जब नहीं उछालेंगे तो उसको मज़ा ही नहीं आएगा, इसलिए उसको उछालना ही पड़ता है। खाने में आज क्या बनाए पता नहीं। दीपावली करने की तैयारी। खाने में क्या है? खाने में खिचड़ी, आई मीन गुजराती में खिचड़ी को बोलते हैं वगैरह, भात। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एंड छाछ वगैरह छे, भकरी करी छे। शिवान से आज आज तो डायो बने जो हवाए पोणा 6 वागे जाएगो तू ने, एंड पछी हुई गयो 9 वागे हु तो डायरेक्ट 11 वागे जाएगो, आज बधुं काम करवा दीधुं। पछी पाछो खाई पीन रेमो, एन खवड़ायुं तो चीकू खवड़ायुं तो एने चीकू खवड़ायुं तो पछी खाई पीन रेमो मस्त 2 वागे लगी रेमो। पछी 2 वागे हुई गयो पाछो 4 वागे जाएगो, पछी 4 वागे पाछो रेमो। आज एन वधुं हैरान नत कर्युं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। तो आज तो पूरा दिन खेला ही है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया किसी को। इसको जब खेलना रहता है तो पूरा दिन खेलते रहते हैं, जब परेशान करने का चालू कर देता है ना तो 15 या 20 मिनट भी किसी के पास नहीं रहते हैं, तो संभालना काफी मुश्किल रहता है। खिलौने उचक उचक के फेंक देता है, अभी ऐसा खेलता रहता है। सुबह में जब मैं 6 बजे जाग गया था तो 7 बजे के आसपास उसको मैं टेरेस पे लेकर गया, और टेरेस पे जागने के बाद वो कबूतर को देखते हैं ना तो उसको अच्छा लगता है। अभी डेली सुबह का ऐसा रूटीन बन गया कि उसको टेरेस पे लेकर जाना पड़ता है और कबूतर दिखाने पड़ते हैं, और कबूतर दिखा दो ना तो जिधर भी कबूतर घूमता है ना, मतलब पूरे आकाश में उड़ते उड़ते कहीं पर कबूतर घूमता है मुड़ता है तो उधर देखता है, उसको पता चल जाता है कि वो कबूतर अभी मुंडे इधर मुड़ के गया इधर मुड़ के गया, वैसे उसको सब समझ में तो आ रहा है अभी। तो क्या नाचो भाई? मतलब चाहे कोई भी जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, ऐसे हम इसे नाम लेके बोलते हैं ना कि ये देख भैंस है, ये देख गाय है, ये देख बैल है, तो उसको ऐसे ही पता चल जाता है, ऐसे चुपचाप ऐसे देखते रहते हैं, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन देता है जैसे कोई नई चीज देख रहा है पहली बार, ऐसे एक्सप्रेशन देता है। तो अभी ऐसे धीरे धीरे समझने लगा है, आई थिंक शायद 8 या 9 महीने का हो गया है। 8 महीने अभी उसके पापा के साथ खेल रहा है। Thank you.
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।